नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक क्वेश्चन आंसर की एक और नई वीडियो है, जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि यदि किसी पैरामीटर में वो उलझ गए हैं, कोई नियम समझ नहीं आ रहा है, तो उसका जवाब देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 ग्रह लिख के भेज देते हैं या डेट टेम्पलेट लिख के भेज देते हैं, जी हमें भाग्य कैसा रहेगा बताइए, विवाह कैसा रहेगा। ये इनके लिए नहीं है, ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, पूरा एनालिसिस कराइए, ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन कीजिए, बैंक में फीस जमा कराइए और उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। आज सबसे पहला क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी। प्रणाम गुरु जी। तुला लगन में फर्स्ट हाउस में सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं, तो क्या ये महाभाग्य योग है? महाभाग्य योग की वीडियो आप दोबारा देखना, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि पुरुष के लिए अलग होता है, स्त्री के लिए अलग होता है। पुरुष के लिए यदि लगन सूर्य और चंद्रमा तीनों विषम राशि में हो और दिन का समय हो, यानी कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का, तो ये उस पुरुष के लिए महाभाग्य योग है। अगर ये स्त्री की कुंडली होगी तो नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री की कुंडली है और उसमें लगन में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं और सम राशि हो, पुरुष के लिए विषम राशि होने चाहिए और स्त्री के लिए सम राशि के होने चाहिए तीनों, और रात्रि का जन्म हो, यानी कि सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक, तो वो महाभाग्य योग होता है। अब इसमें आपने क्लियर नहीं करा कि ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की है। पुरुष की कुंडली में लगन सूर्य और चंद्रमा तीनों विषम राशि में और दिन का समय, और स्त्री की कुंडली में लगन सूर्य और चंद्रमा तीनों सम राशि में और रात्रि का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशवंत आप्टे जी का। वी विश यू डिमॉन्स्ट्रेट फ्यू कुंडलीज इन प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट्स, थैंक यू। अब ये वीडियो जो है, मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है, 64 ईयर एज है, शुगर पेशेंट हूँ, इस वजह से ऑफिस नहीं जा रहा और प्रोफेशनल को बुला नहीं सकते घर पे, किसी से अभी तक मिलना जुलना नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है क्वेश्चन आंसर की, ये मेरी वाइफ कर रही है, मेरी मिसेज कर रही है, तो इसमें हमें कुंडली है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, ना हमें इतना आता है कि कैसे उसमें कुंडली को पोस्ट किया जाएगा। इसलिए जब तक जनवरी फरवरी तक तो ऐसे ही काम चलेगा, उसके बाद सिचुएशन देखी जाएगी और मार्च के बाद ऑफिस अगर जाना शुरू करेंगे तो वहाँ हमारे प्रोफेशनल आते हैं, शूटिंग करते हैं, ये तो अभी मोबाइल से कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं जी। इसके बाद है अमरनाथ मोहिते। गुरुजी प्रणाम। धनु लगन में चंद्रमा है, दूसरे घर में सूर्य, मंगल और बुध हैं, सूर्य सेकंड हाउस में कैसा फल देगा? धनु लगन में सूर्य भाग्य का स्वामी है और वो पंचमेश के साथ भी बैठा हुआ है और धन भाव में भी बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी, पंचमेश दोनों धन भाव में बैठे हैं, तो इस सूर्य तो बहुत अच्छा फल देगा आपको, फाइनेंशियल बहुत शुभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन पोदार जी। मिथुन लगन में
शुक्र 11th हाउस में बैठा है और D9 में कुंभ लगन में कुंडली में शुक्र 6th हाउस में बैठा है तो शुक्र कैसा फल देगा। मिथुन लगन में 11th हाउस में जो शुक्र बैठा है ये बहुत शुभ फल लाएगा, बहुत शुभ फल लाएगा और अपनी दशा अंतरदशा में आपको धन लाभ भी देगा और भोग विलास ऐश्वर्य की सभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। अब आपने बोला D9 की कुंडली में लगन में D9 में कुंभ लगन है और उसमें जो है शुक्र छठे भाव में चला गया, तो जो लगन से हमें शुभ फल दिख रहे थे उन शुभ फलों में कुछ कमी होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, कुछ कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजीत रे का। गुरुजी नमस्कार, वृश्चिक लगन में राहु 6th हाउस में और शनि 12th हाउस में, 12th हाउस से उच्च की दृष्टि 9th हाउस पर मंगल पर दे रहा है, तो ये मंगल का नीच भंग हो गया? बिल्कुल हो गया जी, जब कोई ग्रह नीच का होता है अगर उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि आ जाती है या उच्च का ग्रह साथ में बैठ जाता है तो उसका नीच भंग हो गया, तो ये आपकी कुंडली में नीच भंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित खुराना जी, प्रणाम गुरु जी, लगन कुंडली का मारक ग्रह अगर चंद्र कुंडली का लग्नेश बने तो कैसा फल देगा, जैसे कर्क लगन में शनि 4th हाउस में उच्च का शश योग बना रहा है और चंद्रमा 8th हाउस में बैठा है। चंद्र कुंडली तो अपने आप में खुद ही एक लगन है, 3 प्रकार के लगन होते हैं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य, जहाँ सूर्य बैठा है उसे सूर्य लगन मानकर वो भी बनाया जाता है। तो चंद्र कुंडली में अगर मान लो लगन कुंडली का सप्तमेश है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब नवांश कुंडली हम चेक करते हैं, नवांश कुंडली में अगर लगन कुंडली का अष्टमेश लगन बन जाता है तो शुभ नहीं होता, लेकिन चंद्र कुंडली में कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा अपने आप में खुद ही लगन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र चावला जी का, कन्या लगन में 12th हाउस में सूर्य चंद्रमा और बुध है तो इसका क्या फल होगा। कन्या लगन में सूर्य 12th हाउस में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो ये विपरीत राशि हो गया, सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल देगा, लेकिन बुध का लग्नेश और 10th लॉर्ड होने के कारण 12th हाउस में बैठना शुभ नहीं है। लग्नेश 12th हाउस में बैठा है यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है, सीजन चेंज में सबसे पहले इन्हीं कोई फीवर होता है, और 10th हाउस में सॉरी 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है तो यानी कि आपके प्रोफेशन वह भाव में चला गया, हानि के भाव में चला गया, तो यानी कि ये भी शुभ फल नहीं है। और लाभेश चंद्रमा का वह भाव में जाना यानी कि इनकम कम है और हानि अधिक है, खर्चे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता बालाजी, गुरुजी प्रणाम, अगर कुंभ लगन की कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में हो तो क्या पुखराज धारण किया जा सकता है, प्लीज बताइए। नहीं किया जा सकता, कुंभ लगन में गुरु सेकंड लॉर्ड का होने के कारण और एकादशीश होने के कारण अकारक ग्रह है, उसका स्टोन पहनोगे आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, लेकिन ये अपनी स्वराशि में बैठा है तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको धन लाभ फाइनेंशियल गेन जरूर देगा, लेकिन पुखराज धारण नहीं करना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र जी का, सर मिथुन लगन कुंडली में 4th हाउस में शनि बकरी होके गुरु के साथ बैठा है और बुध 9th हाउस में मंगल के साथ बकरी होकर
अस्त है, क्या शनि मां दशा में क्या रिजल्ट होगा कृपया बताएं। शनि और बुध आपने ध्यान नहीं दिया, महायोग बना रहे हैं, आपस में दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब राशि परिवर्तन करते हैं तो ये बहुत शुभ फल देते हैं। और शनि की मां दशा में आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, और शनि में जब बुध की अंतरदशा आएगी तो ये आपका मान लीजिए गोल्डन पीरियड है, महाभाग्य योग है आपका, ये बहुत अच्छा फल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितेश पटेल जी, सर जी प्रणाम, यदि शनि देव योग कारक हो और बाल्य अवस्था में हो तो नीलम धारण कर सकते हैं? अब योग कारक आपने बोला है तो आप उसका धारण कर सकते हैं, उसके जो डिग्री कम होने के कारण या अधिक होने के कारण जो शुभ फलों में कमी हो रही है वो नीलम धारण करने से आपको बहुत शुभ मिलेगा फल। आपने आगे लिखा, परंतु अगर शनि देव के नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तराभाद नक्षत्र तारा चक्र में वत तारा में आते हैं तो क्या फिर भी नीलम धारण कर सकते हैं? देखो तारा चक्र का उपयोग जो है मुहूर्त के लिए किया जाता है, जिसमें दिन वार नक्षत्र और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन अगर वो नक्षत्र विपत है, प्रत्यारी है या वध है, यानी कि तीसरा आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा सातवां है, तो उस दिन कोई कार्य नया नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, नीलम धारण किया जा सकता है, नीलम धारण किया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार।